पॉइंट टू का क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना हो 365 हो। हमको दो धनात्मक पूर्णांक चाहिए जिनका हम वर्ग करेंगे, वर्ग करने के बाद जोड़े तो हमको कितना मिलना चाहिए 365। क्रमागत का मतलब देखो समझ लो क्या होता है, जैसे एक दो तीन ये हमारे क्या हैं, क्रमागत हैं। एक में हम एक जोड़ेंगे दो बनेगा, दो में एक जोड़ेंगे तो तीन बनेगा, तीन में एक जोड़ेंगे चार बनेगा, ठीक है। तो क्रमागत संख्याओं में जो अगला नंबर होता है उसमें कितना ऐड होता है, वन। कितना ऐड होता है, वन। तो माना प्रथम क्रमागत संख्या धनात्मक पूर्णांक चाहिए, ठीक है। अभी भी जीरो से नहीं स्टार्ट कर देना, समझे, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक चाहिए, ठीक है, तो वो वन से ही होता है। तो क्या हो जाएगा हमारा x, तो इसलिए दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, यहाँ धनात्मक लिख लेना, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, संख्या काट देना। तो क्या हो जाएगा हमारा x प्लस वन। अब कह रहा है प्रश्न अनुसार क्या है, सीधी सी साफ साफ बात बोल रहा है इतना चिल्ला चिल्ला के कि जिनके वर्गों का योग, मतलब इनके वर्ग कर दो पहले तो, ठीक है, क्या करना है, इनका वर्ग, और वर्गों का योग मतलब इनको जोड़ दो, तो भैया हम 365 के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, हमने एक समीकरण लिखवाई है, ठीक है, क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर, कभी भी ऐसे नहीं ए इसका स्क्वायर कर दे, इसका स्क्वायर कर दे, फॉर्मूला होता है उसी को लगाएंगे, बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये होता है, ठीक है। इसके आधार पे इसको खोल लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बी का स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर एक प्लस टू ए बी कितना हो जाएगा टू एक्स बराबर 365। ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 2x, ये देखो 365 इधर आएगा, माइनस का होगा, ठीक है, और माइनस से एक घट जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 364 बराबर जीरो। अब ये देखो पूरी इक्वेशन दो से डिवाइड हो जाएगी, तो दो से भाग कर दो, दो से भाग करने पर, तो दो से भाग करेंगे क्या मिलेगा हमको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस दो एक कम दो, दो अठे सोलह, दो दूना चार, 182, ठीक है। अब हमको 182 के ऐसे गुणनखंड करने की घटाएं कितना है एक, और गुणा करें तो 182 आए, तो कर लो दोनों 18 एक। अभी हम पिछले क्वेश्चन में किया है ना हमने 14 माइनस 13, 14 गुणे 13 182, और 14 और माइनस 13 कितना होता है एक, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 एक्स माइनस 182 बराबर जीरो। एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 14 एक्स माइनस का 13 एक्स माइनस 182 बराबर जीरो, कॉमन ले लो एक्स प्लस 14 माइनस का 13 कॉमन आ जाएगा, तो एक्स प्लस 14 बराबर जीरो, तो ये हो जाएगा x माइनस 13 और x प्लस 14, ठीक है, बराबर जीरो। तो x माइनस 13 बराबर जीरो, x बराबर कितना आ जाएगा 13, दूसरा x प्लस 14 बराबर जीरो, तो x बराबर माइनस 14, ठीक है। हमसे कहा गया धनात्मक, तो भैया ये वाला आंसर सही होगा, ये आंसर हमारा गलत होगा, ठीक है, हमारा आंसर क्या आएगा 13, 13 और 14, ठीक है, माइनस का 14 गलत है, हमको धनात्मक चाहिए, ठीक है। एक संख्या क्या होगी हमारी, प्रथम क्रमागत क्या हो जाएगा हमारा, प्रथम हो जाएगा हमारा x बराबर कितना है, तो 13 हो जाएगा, दूसरी x प्लस 1 है यानी कि कितनी हो जाएगी 14, ठीक है, ये हमारे आंसर होंगे 13 और 14 लिख देंगे हम। अतः प्रथम क्रमांक दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 13 और 14 होंगे, ये आंसर नीचे लास्ट में लिखा जाता है, ठीक है, प्रॉपरली जब ब्लैक पेन से लिख के आएंगे एग्जाम की कॉपी में, ठीक है। अतः दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 13 और 14 होंगे।